हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। स्पेशली बात यह है कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फिट रहा जाए, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको फिटनेस टिप्स दूंगा, बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं कि 24 घंटे आप खाना बनाते रहते हैं, खिला खिला के मोटा कर दिया है, आपकी वीडियो देख देख के इतनी नई नई डिशेस मैंने आपको दिखाई हैं, आपने ज़रूर ट्राई करी होंगी उसको घर पे, और अब बना बना के आपने ज़रूर वेट काफ़ी पुट ऑन कर लिया होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि आप अपना वेट कैसे लूज़ करें, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें, मैं वीडियो शुरू करता हूँ, आपको फिटनेस टिप्स दूंगा और कुछ एक्सरसाइजेस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली टिप्स ये है कि सबसे पहले आप जब भी एक्सरसाइज शुरू करें, हैवी एक्सरसाइज, पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करें। वार्म अप करने के लिए ज़रूरी है आप थोड़ी कुछ कार्डियो करें, कार्डियो जैसे साइकिलिंग, ट्रेडमिल, बॉक्सिंग, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ी साइकिलिंग करके दिखाता हूँ। जब आप साइकिलिंग करें तो ध्यान रखिए आपका पोस्चर ऐसे बन जाए, ज़्यादा बेंड ना करें, इससे आपका जो है कमर में आपके दर्द हो सकता है। तो आपकी पोजीशन ऐसी रहनी चाहिए, स्ट्रेट, ज़्यादा बेंड ना करें आप, ठीक है। और थोड़े से जैकेट पहन के रखें, कुछ मोटी चीज़। द मेन उसकी बात ये होती है एक्सरसाइज करने में कि अगर आप कुछ मोटा कपड़ा पहनेंगे तो आपको जल्दी जल्दी पसीने आएंगे। एक्सरसाइज का मेन पर्पज़ ये होता है, अगर आपको वेट लूज करना है तो जितनी ज़्यादा स्वेटिंग करेंगे आप, उतनी जल्दी आप फैट लॉस करेंगे। तो जंपर टाइप पहन के रखें, अवॉइड करें एसी में एक्सरसाइज ना करें कभी भी, ठीक है। देखा आपने मैंने कैसे एक्सरसाइज है, मुझे पसीना आने शुरू हो गए हैं, ये एक अच्छी इंडिकेशन है जब आप वेट लूज करना चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है आप ट्रेडमिल पे आ जाएं, ठीक है। सेकेंडली कार्डियो के लिए बेस्ट होती है साइकिलिंग, ट्रेडमिल, बॉक्सिंग। तो मैं आपको ट्रेडमिल करके दिखाता हूँ। अगर आप ज्यादा भागना पसंद नहीं करते हैं तो बेस्ट है आप ट्रेडमिल को इंक्लाइन पर रखें। इंक्लाइन से फायदा ये होता है कि आप जल्दी कैलोरीज लूज करेंगे, कम टाइम पे ज्यादा अपने पैरों पे एक्सर्शन करेंगे, ठीक है। इंजरी हो सकती, ज्यादा भागने से एक एज के बाद में इंजरी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो बेस्ट है आप जो है इंक्लाइन कर लें और हल्के हल्के चलें, ज्यादा स्पीड ज्यादा ना रखें, ठीक स्पीड रखें। और इंक्लाइन करने से आप जो है बॉडी वेट जल्दी जल्दी लूज करेंगे और कम टाइम पे, ठीक है। साइकिलिंग फिनिश हो चुकी है, ट्रेडमिल फिनिश हो चुकी है। अब नाउ मैं थर्ड स्टेप पे आऊंगा, वो है हमारी बॉक्सिंग। बॉक्सिंग भी आपको बहुत मदद करेगी आपको वेट लूज करने के लिए। घर में ये अच्छे तरीके हैं अगर आप जिम नहीं जाना पसंद करते या आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट है आप अपना घर में एक होम बनाएं, होम जिम छोटा सा, और उस पर एक्सरसाइज करें। मैं आपको दिखाऊंगा बॉक्सिंग, ठीक है। तो हम बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं बॉक्सिंग स्टार्ट शुरू करने से पहले, ये देखिए। और अब मैं आपको बॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, जिससे आप वेट क्विकली लूज करेंगे, ओके। ये देखें, ऐसे रहनी चाहिए आपकी बॉक्सिंग, ठीक है, इससे आप जल्दी वेट लूज करेंगे। कैसे लगी आपको? तो आपको मैंने 3 टिप्स दी हैं एक्सरसाइज की घर में। फर्स्ट साइकिलिंग, सेकंड जो है आपकी कार्डियो में जो आती है वो ट्रेडमिल, और थर्ड है आपकी बॉक्सिंग, ठीक है। इससे आपको वेट लूज करने के लिए बहुत आसानी होगी। डाइट के मैं आपको बताऊंगा उसके बाद, लेकिन एक्सरसाइज में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए घर पे आप बेस्ट है आप ये यूज़ करें। ये मैंने खरीद रखा है घर के अंदर,
अगर आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, जिम जाना आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी बहुत बिजी रहते हैं अगर आप, तो बेस्ट है इसके लिए आप जैसे स्ट्रेचिंग के लिए से बाइसेप्स यू करें आप स्लोली स्लोली, ज़्यादा जोर मत दें, शोल्डर्स के लिए ऐसे ओके, और चेस्ट के लिए आप पुशअप्स करें, बेस्ट है चेस्ट के लिए पुशअप्स, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेन है कि बॉडी शेप में रखनी है और वेट लूज करना है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। बाकी मैं आपको डाइट के बारे में बताता हूँ, आपको डाइट क्या क्या करनी चाहिए, ठीक है, तो दिख रहे हैं आप मेरे साथ वीडियो बने रहे फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि खाने पीने के लिए क्या जरूरी है, आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बॉडी वेट लूज करना चाहते हैं, तो अगर आप बॉडी वेट लूज करना चाहते हैं तो बेस्ट है सबसे पहले तो आप डीप फ्राइड फिजी ड्रिंक्स और स्वीट इन आइटम को बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल। हफ्ते में, दो हफ्ते में कभी कभी आप चीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी सख्ती ना करें कि आप बस कार्बोहाइड्रेट तक बंद कर दें। कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है बॉडी के लिए क्योंकि वो आपको एनर्जी देते हैं, आपको बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी तो आप होगा ये कि आप जवानी में ही बुढ़े लगने लगेंगे, समझे, जैसे बहुत आप देखा होगा ये एक्टर्स होते हैं ये इतने ज़बरदस्त सख्त तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और खाते पीते कुछ नहीं है और ये है जवानी ही बुढ़े लगने लगते हैं, तो ऐसा कुछ ना करें, खाएं पिए आराम से खाएं बिना टेंशन लिए खाएं, लेकिन सही तरीके से खाएं और सही क्वांटिटी में खाएं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कुछ शेक्स पसंद हैं या आप कुछ जैसे कुछ प्रोटीन विटामिन्स एक्सटर्नल चाहते हैं, आपको आजकल पता है कि आपको खाने पीने में ऐसी बात नहीं रही है जो आप एक डिश में सब चीज़ आपको मिल जाए, तो सबसे पहले ज़रूरी है प्रोटीन। जैसे प्रोटीन में आप ये ले सकते हैं, बेस्ट है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन शेक बना के आप पी सकते हैं। ज़रूरी है ये प्रोटीन है वे प्रोटीन आइसोलेट, वही प्रोटीन आइसोलेट जो है एक्सरसाइज करने के 20 मिनट्स के अंदर अंदर आप बेस्ट बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए, तो ये 20 मिनट्स के अंदर आप इसको ले लें, ये मार्केट में अवेलेबल है, ये तकरीबन 50 या 60 पाउंड्स का आता है, ठीक है। रात को कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दी खाना खा लिया आपने, अब रात से लेके सुबह तक आप क्या करेंगे, बीच में उठ के खाना तो खाना नहीं है आपको और बीच में भूख भी लग सकती है, तो बॉडी को आपने जो है खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना, उसके लिए बेस्ट है आप केसिन ले। केसिन ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में एक बॉल की तरह, जब आप रात को लेते हैं इसको एक बॉल की तरह आपके पेट में बन रहता है ये, उससे फ़ायदा ये रहता है कि आपको स्लोली स्लोली एनर्जी मिलती रहती है सुबह तक, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन चीज़ों के, ठीक है, ये बेस्ट है, तो आपको सुबह तक ऐसा लगेगा आपका पेट भरा हुआ है और आपको एनर्जी मिलती रहेगी। अगर आपने रात को जो ज़्यादा देर अगर आप बॉडी को खाली पेट रखेंगे उससे योगा आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, ठीक है, तो ये बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल लेवल पर जानी है, बहुत अच्छी तगड़ी बॉडी बनानी है, ओके, बल्कि उसके लिए आप क्रिएटिन लें, बेस्ट है ये क्रिएटिन, ये तकरीबन आपको जो है ये आपको इसमें मिली हुई है, आपको डायरेक्शन कितने लेना है, जनरली ये 3.54 ग्राम से ये आप पर डे लें, ज़्यादा नहीं, ऐसे बॉड मीट और चिकन सब में क्रिएटिन होता है लेकिन तब भी उस क्वांटिटी में आप नहीं मिल पाता जो चाहिए आपको, तो इससे आपको बल्किंग के लिए बेस्ट है ये, अगर आप अच्छी गुड लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो क्रिएटिन ले। मैं आजकल इतनी गुड लेवल पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि अपना काम ऐसा होता है कि सुबह से के शाम तक बहुत बिजी होते हैं रात तक, और इसमें तो ये होता है पूरा आपको डेडिकेशन चाहिए, हर 3 घंटे में आपको मील लेनी है, खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना और आपको बैलेंस रखना है, और आजकल जो बेस्ट है आप ये भी कर सकते हैं मल्टी विटामिन्स भी ले, मैं मल्टी विटामिन्स लेता हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको खाने में आजकल सारे विटामिन्स मिलते नहीं है, ठीक है, और कैल्शियम भी ले सकते हैं आप, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप इस कंट्रीज से कोल्ड कंट्रीज में जो है सन लाइट में आपको इतना बैठने का मौका नहीं मिलता और होती भी नहीं है, बारिश बहुत होती है, ठंड बहुत होती है, तो कैल्शियम हमेशा लें, विटामिन डी ज़रूर लें आप, ठीक है, और बाकी अपनी बॉडी के हिसाब से देखें कि आपको क्या सूट करता है, अपने बजट के हिसाब से देखें, अगर आप ये शेक्स
नहीं खरीदना चाहते हैं, एक्सपेंसिव, ये बहुत चीज़ एक्सपेंसिव होती हैं, तो बेस्ट है आप अपनी डाइट पे ध्यान दें। जैसे केला ले लिया और पॉरिज बेस्ट है, पॉरिज ब्रेकफास्ट के लिए तो पॉरिज इज द बेस्ट, सबसे हेल्दी है। और फ्रूट्स ज़रूर रखें, इंक्लूड करें अपनी डाइट में, ज़रूर फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और खाने में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 3 या 4 घंटे से ज़्यादा। ओके, कोशिश करें हर 3-3 घंटे में स्मॉल स्मॉल मील लें, 5 to 6 मील्स लें ज़रूर आप, ठीक है? आपको बॉडी बिल्डिंग में ज़रूर हेल्प करेगा। ज़्यादा बॉडी एक्जर्शन मत डालें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेंशन नहीं लें। ज़्यादा सोचेंगे मैं ये खा लिया वो खा लिया मैं क्या होगा, इतना टेंशन ली तो आपको होगा कुछ नहीं, बीमार पड़ जाएंगे। रिलैक्स रहें, बॉडी को रिलैक्स रखें, आराम से एक्सरसाइज करें, खाएं पिएं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी ना हो। हमेशा ध्यान रखिए कुछ चीज़ आप घटाएंगे तो एक उस चीज़ पे आपको दूसरी चीज़ पे ज़रूर असर पड़ेगा, ठीक है? आपने अपनी बॉडी को घटाने के लिए खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया तो आपको पता है कि आप बॉडी तो कम हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको और चीज़ें चाहिए, आपके फेस पे आना शुरू हो जाएगा थकान, और क्या कहते हैं, पूरे दिन आप टायर्ड फील करेंगे, उससे उससे फ़ायदा नहीं है। तो बैलेंस के साथ एक्सरसाइज करें तो बेस्ट है, ठीक है? तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी फिटनेस टिप की। सो थैंक यू वेरी मच, और आप इस तरह मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।